20 दिन में क्या बड़ा होने जा रहा है? असद कैसर के बयान ने हामिद मीर को भी चौंका दिया। निजी चैनल के प्रोग्राम में सीनियर सहाफी हामिद मीर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा असद कैसर से सवाल किया कि आपकी तहरीक तहफ्फुज़ आइन कहां तक पहुंची है। असद कैसर ने जवाब दिया कि अपोजिशन की तमाम अहम जमातों में इत्तेहाद कायम हो चुका है। कुछ जमातें अगले 20 दिन में हमारे साथ आ मिलेंगी। मौलाना फजलुर रहमान से भी बातचीत मुकम्मल हो चुकी है। ईद के बाद हम एक नए अपोजिशन इत्तेहाद का बाकायदा ऐलान कर देंगे और फिर मिलकर हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। हामिद मीर ने सवाल किया कि कुछ दिन पहले आपने उमर अयूब के घर में बुलाया था और वहां पर महमूद खान अचकज़ई ने मुझ समेत बाकी सहाफियों से भी कहा कि हम आइन की बालादस्ती के नुक्ते पर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी समेत सबसे बातचीत करना चाहते हैं और उनकी बात पर आप लोग खामोश रहे थे, लेकिन अब बताएं क्या आप महमूद खान अचकज़ई की बात से एग्री करते हैं कि आपको नवाज शरीफ और जरदारी साहब से भी बात करनी चाहिए। असद कैसर ने जवाब दिया कि वो महमूद खान अचकज़ई की ज़ाती राय थी, पूरे अलायंस का मौकफ नहीं था। हमारी सबसे बात हो सकती है, लेकिन नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से बात नहीं हो सकती। हाँ, अगर वो हमारे साथ होने वाली धांधली की मजम्मत करें तो फिर बात हो सकती है।